हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबाएं और हर खबर की जानकारी सबसे पहले पाएं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजघाट पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माला अर्पण किया, साथ ही उन्होंने स्वच्छता का संदेश भी दिया और सफाई अभियान जोरों पे ही है, लेकिन लोहारू रेलवे प्रशासन का सफाई करने का तरीका कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि जब आज रेलवे विभाग का प्रशासन पास ही में लगती जमीन पर सफाई करने निकला तो विवादित जमीन के ऊपर रेलवे प्रशासन बगैर नोटिस दिए हुए लोगों की टंकियों को फोड़ दिया, जिसमें लोगों में व्याप्त रोष प्राप्त है और लोगों का कहना है कि हमें किसी प्रकार का कोई भी नोटिस या किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद रेलवे विभाग ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना सूचना दिए हुए उनकी टंकियों को फोड़ दिया और उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आए। लोगों का कहना था कि यह ज़मीन विवादित है, इस ज़मीन के ऊपर सटे है और इस ज़मीन का सेशन कोर्ट में केस चला हुआ है, और इसके बावजूद रेलवे विभाग की टीम ने उनको बगैर बताए हुए उनकी टंकियों को फोड़ दिया। और लोगों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार पानी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं रेलवे विभाग लोहारू के अधिकारी बगैर बताए पानी की टंकी को फोड़ दिया गया, जिसमें 500 लीटर पानी को बर्बाद कर दिया गया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान के ऊपर था और लोहारू रेलवे विभाग की टीम के ऊपर भी उन्होंने सख्त आपत्ति दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि इस तरीके की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा व्याप्त है। आप अपने तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, इनका गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये रेलवे विभाग की टीम्स की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, उनमें गुस्सा व्याप्त है, आप देख रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित लोगों ने डीआरएम को एक लेटर लिखा इस तानाशाही रवैये के खिलाफ कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। उनका साफ कहना था कि इस ज़मीन के ऊपर सटे है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, अगर होनी भी चाहिए थी तो उनका सूचना दी जानी चाहिए थी। इसको लेकर हम आपको फिर से बता दें कि डीआरएम को लेटर लिखा गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि एक रेलवे विभाग में कार्यरत कर्मचारी उनसे बार बार उलझने की कोशिश कर रहा था, उनसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था और आगे भी उनको बताया गया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। इससे नाराज लोगों ने डीआरएम को लेटर लिखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में ऐसा न हो। उन्होंने ये भी बताया कि इस सफाई को लेकर सिर्फ फॉर्मेलिटीज की गई है, सफाई भी अच्छे तरीके से नहीं की गई है। तो आइए पीड़ित परिवार ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज जो यहाँ पे रेलवे विभाग ने टंकी तोड़ी, आपको बताया गया था, पहले सूचना दी गई थी कि बगैर बताइए आपकी जो टंकी है तोड़ दी गई? नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैं तो दुकान से पीछे देखने के लिए आया, तब टंकी को तोड़ रखा था। तीन चार कर्मचारी टंकी को ऐसे धक्का देने लग रहे थे, इसमें 500 लीटर पानी था। सरकार तो कहती है कि जल बचाओ, बूंद बूंद बचाओ, इन्होंने 500 लीटर पानी को नाली के अंदर सारा बिखेर दिया है जी। इसके अंदर एक तो ये एसएससी है जो यहाँ रहते हैं, संतोष कुमार, और एक रोहतास नाम का कर्मचारी इनका, ये दो तीन बंदे थे जो यहाँ पे सफाई के नाम से गुंडागर्दी कर रहे थे और सभी मोहल्ले वालों को धमकी दे रहे थे कि तुम्हें आने जाने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे हम आगे तारबंदी करेंगे। ये जो इनका रोज का काम है जी, कभी ये किस बहाने से हमें परेशान करते हैं, कभी सफाई के, कभी किससे, और इनकी घर की पुलिस होती है जी, जो ये किसी भी टाइम पांच चार बंदे ले आते हैं जी, और फिर पड़ोस इनको मोहल्ले वालों को धमका के यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं जी। मतलब डेली परेशान किया जाता है आपको सफाई के नाम पे। इस जमीन पे केस चला हुआ है? इस जमीन पे सेशन कोर्ट में केस विचाराधीन है जी, इसके 7 बार आगामी डेट है, इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे नाजायज परेशान करते हैं, जबकि कोर्ट में इन्होंने कह रखा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, और बाद में ये लोग आके परेशान करते हैं। आप कुछ बता रहे थे माता जी, आप कुछ बता रहे थे, बार और ये
और हमने बोला भी इसको की दुकान उसके पास भी देर में मोदी मार दी टंकी मोदी मार दी हाँ। मतलब इसको घेर दिया गया हम इधर बाहर ही बैठे थे। इसके अलावा कुछ उन्होंने कहा आपको? हाँ बोला तार खींचेंगे, तार खींच दो बोला रास्ता बंद कर दो। मतलब बताया तो नहीं गया ना टंकी तोड़ने से पहले कि टंकी उठा लो? नहीं कुछ नहीं बताया, हमने बताया था बल्कि उनके बड़े ने पूछा बड़े टंकी किसकी है, बड़े पतंगी वाले की जो टंकी है उनने फिर इतना मौका दिया नहीं, उन्हें मोदी मार दिया। वो दूसरा बंदा था ना वो भूलता था, बोलता था क्या बोलता था क्या बोल रहा था? वो बोला मोदा मारता उठा दो अभी। आपने कुछ गुजारिश की भाई हम उठा लेंगे ऐसा कुछ कहा आपने? उन्हें मौका नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया टंकी का, तो मौका ही नहीं दिया। फिर हमने तो हमने सरकारी बोला ये भी छोड़ देंगे, फिर हमने सरकार लिया टंकी। आप क्या चाहते हो आप? भाई हमें ये चाहिए कि हमें रोज रोज परेशान नहीं किया जाए, ये मानव अधिकार है जी कि सबको आने जाने का रास्ता चाहिए, नाली भी चाहिए और पानी के लिए लाइन भी चाहिए। ये लोग रोज धमकी देते हैं, कभी कह रहे हैं आपके रास्ते बंद कर देंगे, कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइन उखाड़ देंगे पानी की। और ये देखो सफाई के नाम से मैं दिखाऊँ आपको, ये सफाई के नाम से देखो वो सफाई की गई है, क्लियर सफाई भी नहीं हुई, सारे कूड़े का ढेर अभी भी पड़ा है वहाँ पे। और कुछ बोलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो इसके अलावा, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? और हम तो ये चाहते हैं जी जिसने हमारी टंकी तोड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जी। क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे जी, जो रोज रोज परेशान करते हैं और कहाँ जाएं, और इनके उच्च अधिकारियों को लेटर लिखेंगे। ठीक है।